Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay. कल सवेरे हमको जाना है ट्रैकिंग पे. श्रीमान भाई ने अचानक से प्लान बनाया. सबसे पहले आपने अपने ये नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, जो अपने चैनल पे जो जिसका नाम है करनू 454 का. मेरा दोस्त ही है जो बैग वगैरह मुझे दे रहा है. हमारे लुधियाना में उनका शॉप है. मैं बता नहीं सकता किधर है, लेकिन अभी कभी मैं घूमने आया था इधर करजत में. कभी आओगे तो ये बैग स्टोर में आ जाना. बहुत अच्छी बैग. ये देखो, ये मैंने बैग खरीदा है ट्रैकिंग के लिए. ट्रैकिंग बैग क्या रहे मामू, कैसा लगा? क्वालिटी जड़ी बूटी है क्या? और ये कौन सा गिफ्ट परफ्यूम तूने तेरे लिए? होम शॉपिंग. गाइस जुड़े रहना, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. द नेक्स्ट डे गाइस, मैं नहाया हुआ नहीं लग रहा हूँ, पर ठीक है. देखो पीछे बैग है, मैं रेडी पोजीशन में हूँ जाने के लिए. कल रात को ही मैंने बताया कि ट्रैकिंग पे जा रहे. तो सबसे पहले आपको सबको गुड नाइट, अपना गुड मॉर्निंग. गोप्रो का सेटअप तो पूरा हो चुका है, लेकिन ये टुंडा ज्वाइंट करने के लिए ना मेरे पास वो आकड़ा ही नहीं है इसके ऊपर लगाने का. मतलब इसके ऊपर वो फिट होने के लिए आकड़ा ही नहीं मिल रहा है. तो मैंने श्रीमान भाई को फोन किया तो उन्होंने अच्छे खासे भाषा में मुझे समझाया कि मैं ढूंढ के देता हूँ. प्यार से समझाया, थोड़ा गाली भी देख के समझाया प्यार से. तो हम जा रहे हैं ढाक बहरी. एक बहुत प्यारा प्लेस है जिसमें अपने को ऐसा 95 डिग्री पे सीधा चढ़ने का है और ऊपर अंदर मंदिर है, उधर जाने का है देखने के लिए. तो गाइस अभी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरे घर से ही. अभी इधर से अपन निकलते, गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठने का. निकलने का था 10 बजे, आप देख सकते हो 11:30 हो गए, हम फिर भी घर में ही है. ये हमारा रूल है, देखते आगे क्या क्या होता है. क्या लग रहा है, मतलब सामान के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? सामान का तो ठीक है, लेकिन ये माइक, मतलब ये जो प्रोफेशनल व्लॉगिंग इंडस्ट्री में आप घुसे हो ऐसा फीलिंग आ रहा है. माशाल्लाह तबाही मचा रखा है. गोप्रो से बड़ा तो माइक है माना. नहीं नहीं, मैं इसको टुंडा निकालूंगा ना तो नॉर्मल हो जाएगा. कितना बड़ा टुंडा है? छोटा है. आई लव रे नहीं, बट ये जरूरी है. मैं ये क्यों लिया मालूम है? आवाज का दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपका आवाज रेडी किया. हमको जाना है 4-5 जन को, लेकिन रेडी हम दोनों ही है. नहीं नहीं, रेडी सब है, बट वो सामान ला रहे हैं. अभी ट्रैफिक कैसा है लेकिन? दोस्तों मैं जहाँ पे रहता हूँ ना न्यूटी में, मुझे इच्छा है कि मैं ये न्यूटी छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना नुस्ते गरियारोहण, पर्यारोहक, ये मिरवणूक, पॉलिटिशियंस के सर्ण वार, इतनी ट्रैफिक होती है ना भाई. मतलब इमरजेंसी में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ ना कठिन है भाई. आई शपथ, या क्षणाला तो कोणाला प्रॉब्लम आला ना खरं, काहीच करू शकत नाही बाबा. कुठून काढशील गाड़ी? अरे भयानक ट्रैफिक दोस्तों. इधर से आपको बस 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लग सकता है इस वक्त. ज्यादा सिचुएशन ये चल रही है. और तेरे को मालूम है कुछ नहीं, अभी हम जा रहे हैं ढाक बहरी. बहुत मजा आने वाला है. ढाक ढाक डोंगर और बहरी डोंगर. तो गुंडे कैसा लगा दोस्त, मतलब तेरे को हम लेने को आए इतने दूर? नहीं मतलब कैसा है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इन्होंने पहले मुझे कॉल किया और मुझे बताया गया कि तुम लोग को ना पिकअप करने के लिए कोई आने वाला है. मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ पर रुकता हूँ. तो थोड़ी देर के बाद इन लोग का कॉल आया, ये श्रीमान भाई का. मुझे बोलता है कि बहुत सारा ट्रैफिक है, मैं नहीं आ सकता, दूसरी गाड़ी तेरे को पिकअप करने के लिए आएगी. तो दूसरे गाड़ी वालों को मैंने कॉल किया, वो भी बोले ठीक है हम लोग आ रहे पिकअप करने के लिए. आधा घंटा वहां पर मैं रुका. इधर रहना कितना? रुकने के बाद मैंने ऐसे सर्च कॉल किया इसको, तो ये बोलता है वो दूसरे रूट से चले गए और मैं एड़े जैसा उधर ही बैठा. अरे एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए ना कि भाई हम लोग जा रहे हैं, तू चल के जा, दौड़ के जा, जो करना है कर, पर तू जा. गाइस मैं डॉक्टर चक्रवर्ती के मिलके आता हूँ. नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट छुट्टी लेने वाला हूँ. गाइस देखो ट्रैक, अभी तक हम ट्रैक पे गए भी नहीं, ट्रैक को लगे भी नहीं, डायरेक्ट हॉस्पिटल. और इधर आपने सब शूटर है, मर्डर करने वाले बोले जी, आखा माफ होने लगता है जी. गाइस हम ना ट्रैकिंग के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गए, अभी तक ट्रैक पे पहुंचे भी नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में आ चुके. ट्रैकिंग के पहले हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर चक्रवर्ती. हे तुला जेवढं शक्य तेवढं 2-5 मिनिटं ठेवायचं, परत काढायचं. पण पलटी मारलं तरी चालेल ना? हा, इकडून तिकडे इकडे अल्टरनेट करत राहणार.
पण ते 2-5 मिनिट तुला जेवढं शक्यल तेवढं करत राहा. मी ते सायकलिंग करत असतो झोपून, ते आपण हवेत पाय मारतो आणि उलटे पाय मारतो ते करत राहा. तेजू समोसे वाले गोळ्या घ्यायला आलेलो. तुम्ही ट्रॅकिंग ला चालू नाही आले, तुमच्या आईला गोळ्या चालू घ्या. तुम्ही शक्तिवर्धक गोळ्या चिट्टी लिखी गाइस देखो, सच्ची में मैं मेडिकल में आया हूँ. मेडिकल ही है ना ये, मतलब अभी तक ट्रैक चालू नहीं हुआ. डेविल गोलियां खा रहा है, श्रीमान खा रहा है, तो बुड्ढा कौन? ये आप ही मुझे कमेंट में बताना कि इसमें बुड्ढा कौन है. देखो ये इतनी गोलियां ट्रैक चालू होने के पहले गाइस मैंने आपको दिखाने का, ये गोलियां कौन सी आप देख लो. ओके गाइस चलो जल्दी जल्दी करो डेविल, फटाफट यंग लड़के फटाफट काम करो. जो मेरे साथ यंग है ना वो यंग फटाफट काम करो. उसमें बैग में थोड़ा बॉटलीज वगैरह डालो. यंग अरे वेट कर थोड़े बाजू प्लीज. देखो ये जो काका है ना, ये एक प्रकार है हमारे काका और मेरा एज सेम है, पता है आपको? लेकिन देखो ऊपर है ना, ऊपर मेरा सेटअप है, कोई टेंशन नहीं है. आपने घर वाले लोग है, इधर ही गाड़ी पार्क कर दी है, नो टेंशन. एवढे थर्ड क्लास लोक आहेत ना, अख्ख्या गावचा बोजा माझ्याकडे दिलाय आणि मेरे को बोल रे जिम कर रे, जिम कर रे, चल जरा जिम कर दे. तो उचलला पाय ना लेजर करू फॉर मिस्टर राणे, मिस्टर गोंडे स्वतः दे. ए माझी डबल जडे बोलला पण येईल. हा सर ती मजबूत चल काट रे सगळं दे, मला सगळं पाहिजे. दिलदार रे ब्रो, दिलदार रे ब्रो, दिलदार आहे. जा तुम्ही सगळ्यांनी खा, ओके मजा करा. जाऊ का, बाय बाय. तर कर पप्पी तर दे, चुम्मा तर दे. हे जे कानबोग असले प्रॉपर आहेत असं काय, असं पकडतात? मी असंच पकडतो, माझ्या गावाला तशीच पकडतात कुत्रे. चलो हायवे लगा, टेन्शन नाहीये. हा गाव कुठलं? काशिवली. काशिवली में दो धुरंधर यंगिस्तान. सबने एक एक लिया है, कणा मोडला है पण दोन घेतले. पर कुछ भी बोलो, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. तुला येते का नाही मजा ब्रो? नाव काय तुझं? संस्कार. शाळेत जातो का नाही? जातो कशा शाळेत? कुठल्या? कितवीला आहे? दुसरीला आहे फक्त. दहावीला कधी जाणार? तुमचं नाव काय? मनोज. शाळेत जातो का नाही? मी त्याचा छोटा भाऊ. संस्कारचा छोटा भाऊ मनोज. तुझं नाव काय रे? हरेश. तू याचा छोटा भाऊ? त्याचा छोटा भाऊ. अच्छा, तुझं नाव काय? शाळेत जातो का नाही? तुझं नाव काय? गा याची छोटी बहीण का? मोठी बहीण. याची मोठी बहीण. ओके, तुझं जाते का शाळेत? नाही. व्हेरी गुड, सगळे तुम्ही भविष्य घडवणार स्वतःच. डॉक्टर है मैं, डॉक्टर. ये जो श्रीमान की अभी जो आर्मी बन रही है इधर की, मतलब श्रीमान क्या बोल सकते हैं, ग्रुप जो बन रहा है ना, बांदर की बाइकर बन गया, अभी ट्रैकिंग पे उतरा है. और कौन सा ब्लॉगिंग में बाकी है क्या कुछ? हाँ नहीं नहीं बराबर. देखो थोड़े थक गए बट ऑल्सो व्हाइट कलर अभी पूरी काली होने वाले. दस मीटर. ये देखो इधर अभी से मार डाले, अब तो मार डाले. मुझे लगता नहीं है कि जाएंगे ऊपर, देखते. पकड़ अभी जरा बेल्ट देखो. वाओ बेल्ट देखो. अरे सुनो ना, काय झालं? इकडे बघ ना चोम्या. काय ग? इकडे बघ, इकडे बघ. कोणाला भेटायला आलाय? तू पण ओळखतोयस ना मगाशी मी तुला चुम्मन केला, तो तुझी माझी जुजुडू गोड आहे ना. चलो मस्त आहेत रे मुलं. हे तुम्ही गावात मला बघताय मोठी गोष्ट. मी तेच बोललो, आदिवासी बांधव आहेत, वस्ती आहे पण एवढ्या आतमध्ये पण ही लोक ओळखतात. ही खूप मोठी अचीवमेंट. बघत राहा, बघत राहा आणि शाळेत जा. आई रेकॉर्ड होते बघा नक्की. अभी जंगल सफारी चालू, अभी इधर शेर वगैरे. बाबा मजा येणार आईच्या गावात. बाबा ही फक्त आत्तापुरतीची एनर्जी आहे, संपली काय काय क्षणात संपेल. भाडा देके
बंदे को बैग दिया पर उनको मैं ना खाली पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस मुझ पे एक बोझा डाला और बहुत थक गए। डेविल रेस गेमिंग सुरुवात झाली आहे, रुकने का था ना ब्रो, डेंजर है कार्यक्रम। गाइस हार गया, हार गया ब्रो, मैं तो हार चुका हूँ। 3000 करोड़ फीट ऊपर है मैं, पूरा जंगल ही जंगल है, मजा आने वाला है। आम के पेड़ के नीचे जो सकून है अकू भाई, ऊपर माइक भी लग रहा है, इतनी थकावट। लेकिन ये चाचा ने कौन सा बोरविटा पिया है क्या मालूम नहीं है, बोरविटा मेरे इधर बोरविटा बोलते इनके। राणी क्या बोल रहे, हॉर्लिक्स देवीर, कितने टाइम का पावर था, कॉम्प्लेन पे हो, जबर पावर है, मस्त है गाइस। इतने वो नीचे गांव है, ऊपर आ चुके या मावसीला 21 तोपांची सलामी, आम्ही बॅगा घेऊन नाही चढत आहे, त्यांनी अख्खे ओंडके चालवलेत। मावशी सलाम, मेरी कोर्स मजबूत आहे पण दिखती आहे नाही, दिख रहा है तू कितना थका हुआ नाही, पण यांना मी सलाम करतो, या मामांना पण मानतो, हे आमच्या राणींचे भाऊ आहेत, आजपासून आम्ही पण यांना भाऊ मानणार। मामा नाव काय तुमचं? भिवाजी ढाकवळ। भिवाजी ढाकवळ हेच चाललेत ढाकला घेऊन, नाच करणार आज गाईज। आमचं तर आमची लायकीच शून्य मावशी समोर, या माझी तर लायकीच नाही आणि डेविलची तर बिलकुल नाही। मावशी बघ कशी प्रॉपर उतरतात रे, मावशी इथंच ठेवा, मावशी ना ऐकत वाटतं आपल्याला, मावशी भडकलेत माझ्यावर वाटतं, नाही ना मावशी। मावशी मी काय बोलतो तुला, वय काय? वय आता किती रे बाळा असेल ते? किती? XYZ थांब ना मावशीला, वय नाही रे आमच्या लक्षात, आम्ही कशी 60 वर्ष 70 वर्ष किती आहे? पण मावशी तुला सांगतोय, हा एवढं वय नाही बघू शकत मी पण नाही मावशी, तुम्हाला मी मानलं, ऐका मी मानलं का माहिती तुम्हाला, हा जो बोजा आहे ना तुम्ही जो आणला ना, सलाम आहे, शपथ सलाम आहे, मस्करी नाही मग आमचं कामच आहे ना रे बाळा। हो काम असू ठीक आहे, तुम्ही ह्या वयात आणता ना ते मेन आहे, धड लागला हे बघा, आता 2 मिनिटं झाले तर त्यांनी विक्स ऑक्सिजन काढलं बघा, संपलोय कुठे चालले तुम्ही? मावशीचा इंटरव्ह्यू झाला एवढंच होतं, मावशीचं होय काय ते मावशींना नाही माहित, त्यांना आठवतच नाही कधी, एवढा वजन घेतात मावशी, हे एका ठिकाणी एवढं थांबतील ना भाई, मी निघून जाईल त्या गडी काकांसोबत, शिकलो मेरी धाप से आपको पता चल रहा है मैं बिल्कुल थका नहीं हूं। मजा आ रहा है विमान, मजा आ रहा है, सबसे आगे आया हूँ लेकिन बहुत थका हूँ, बहुत डेंजर लेवल पे, यहाँ पे रुका हूँ। उधर दिख रहे कि नहीं मालूम नहीं आपको, लेकिन वो देखो कितना पीछे है, वो देखो बहुत पीछे, मैं और मामा इस जंगल में आगे आगे चढ़ रहे, थक गया ब्रो, थक गया, खतरनाक काम हुआ है, थक गया। राणे मुझे बता सिमरन क्या बात है, बता काय बोलू, श्रीमान बोल रहा है मैं हूँ, टेंशन मत ले रहा, मैं पूरा वजन उठाएगा गाइस की खुद की। 10 मिनट बाद 2 घड़ी मंगाए गए, मैं और ला रहा था, मुझे मालूम है क्या हालत, पर सुनता नहीं, मेन हो रहा था। श्रीमान भाई चला ना, ए भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो ना ऊपर, तू ते ग्लोव्स घातलेत ना, अरे आजोबांचे मोजे, ये जो लाया उसने ना, इससे क्या होता है पता है ना, इसने ये इससे क्या होता है पता है, ये कालापन है ना दूर हो जाता है, ठीक है पानी है रे वाटर, ये पर फेस क्यों है इसको, थोड़ा तो पकड़ो तुम लोग, ये मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा वजन कम हो जाएगा, तुम्हारी बूटी है। देविल क्या बोलते बाळा, बोल जरा एकदम, हां ना मजेत एकदम, डोंगरात खराब मी डोंगरात आलो, अरे पांढरा ससा, अरे दादा कुठे गेला, अरे ससा दिसतो कसा, डोंगर दरी नद्या नाल्यांसाठी बनलेलो आहे, दादा कुठे, अशी लोक करतो जे पहिल्यांदा येतात, आमच्यासाठी खूप नॉर्मल आहे सर, रेडी डेली फटके हुए चार ससुले। अभी ना हम जंगल में प्रॉपर लग चुके, मैं और राणे आगे और हमेशा की तरह मामा दीवा दादा, इनको इधर का नॉलेज है, इनका और ऊपर घर है और राणे के बहुत अच्छे पैशन वाले। अभी देखो ना जंगल देखो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इधर का पानी था हट गए लेकिन हट गए, इधर है थोड़ा ऐसे लग रहा है, इधर है थोड़ा, इधर से ही धबधबा जाता है, इधर का फेमस धबधबा है, क्या राणे
बहुत डेंजर, थकान हाक चुके, क्या ही बोले। प्रेम दीवाना आणि तुझ्या विना मी दीवाना। हां पुढचं गाणं बोल। मला येत नाही गाणं तरी मी गाणार रे गाणं, तुझ्या विना मी राणी ग, दिदा दिदा तीच जिंदगानी थकलेली बाई ग, तुझे ना प्रिय तुझे ना प्रिय टिकलक 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 टिकलक। मजा आया। ऊपर इधर है मस्त घर जो हमें पसंद है, वही घर है ऊपर, ये देखो। वाह बहुत मजा यार। सुख म्हणजे येत असतं ब्रो, भाव ही लाइफ पाहिजे, किसी से लेना देना नहीं। इधर नेट आया तो इधर स्ट्रीमिंग करेंगे 4-5 रूम में। सीमेंट के घर स्वर्ग, और इधर है ना जो जन्नत है ना, क्या ही बोले, एकदम मजेशीर लाइफ ब्रो। रिलैक्स लाइफ, हैप्पी लाइफ, एकदम बरमूडे पे जस्ट रिलैक्स, एकदम चिल लाइफ। और गोप्रो जो साथ दे रहा है, और श्रीमान फीलिंग। इधर नेट प्रोवाइड हुआ था, इधर नेट प्रोवाइड हुआ तो भाई मैं इधर से घर ना जाऊं, इधर से स्ट्रीम करूंगा, टेंशन नहीं। कहने जी दिस इज लाइफ। धावत चढलो मला पण मजा आली, पण माझ्याकडे दाखवू नको। नाही तुम्हाला तुमची मजा व्यवस्थित चालली चालली नाही, पण धावत चढण्यात मजाच वेगळी। बोर खातात तिकडे वन साइड, बोर खायला कसा आला, धावत चढण्यात मजाच खूप येते। पण राणेच्या या वेज बिर्याणीला जी चव आहे ना वेगळी, कर्णू भाई मी जास्त फास्ट जातोय का? खूप जास्त फास्ट चालतोय डेव्हिल, थोडा स्लो हो का? तू जेवला का पूर्ण? नाही अजून, भूक नाही बद झालं म्हटलं गाईज, म्हणजे ना पुंग्या टाईट झाल्यात एकदा। ये बोर खायची का? नॅचरॅलिटी मामा, कुठे बोर बघू, एखादं बोर तर द्या। हा ना जी मजा आहे ना, ती वेगळी आहे, आमची फक्त गावातच भेटू शकते। काय ताई बरोबर का? लाजली का गाईज? व्ह्यू देखो पहाड़ी का, ये व्ह्यू कितना प्यारा है, और इन सबके चेहरे देखो। व्ह्यू इज हैप्पी, गॉड इन माइंड, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। गॉड प्लेस, दिस प्लेस गॉड प्लेस नेचर। हे बघा जवान जवान बोलणार बघा, देईल काय आलं मला, जरा रेस्ट घेतो, धावत चढलो ना गड, गड धावत चढलो म्हणून जरा रेस्ट। रोगाचे परिणाम आहेत, रोगाचे सगळे रोगिष्ट झाले। तुम्हाला सांगतो एवढं थकवा आलाय ना, पण नडणार, पण नडणार भाई, बॅगेने वाट लावली पूर्ण, पर नडेंगे। ये देखो दुसरा पॅकेट देखो, हे बघा आवका झिरो बघ, ब्लॉग मराठी हिंदी मिक्स हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज, इंग्लिश आल्सो लिटिल लिटिल इंग्लिश, प्लीज मराठी प्लीज, ड्रोन उडा। अरे का डोक्यात जातो का? अरे एकदम नाक एकदम चोमा लग रहा है, चलो ड्रोन उडा। Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. Not a head, I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh, dil chahta hai, think it's like a test, I better not test, ching 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 ching, hey, what it? Oh,
ओम नमः शिवाय गणपति बाप्पा हर हर मंगल मूर्ति बोरिया भैरवनाथ महाराज की जय। इनका तो पता ही नहीं है गाइस, लेकिन दो जवान और मैं जवान निकल रहे। देखो जवान जवान बोलने वाले, वो देखो पीछे आ रहा है, फेफड़े फूल गए, लेकिन कुछ भी बोलो। शुरुआत हुई, हाँ अभी स्टार्टिंग है, लेकिन वो महामत मचा रहे काटी काटी बेटली। ये देखो औकात क्या आ गए, देखो बुद्धा की काटी चाहिए, देखो बाप रे। ये देखो रोड, देखो दिख रहे क्या, मामा ही देख पा रहे, और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, उनके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। ये रोड देखो यार, और ये लोग रोज आते जाते रहते हैं। ये आए तो नीचे बापा डाक बैरी डेंजर कार्यक्रम, मंदिर बहुत ऊपर है, और अरे मैं थक गया गाइस। और ये पत्थर इतना ठंडा है ना, बहुत ही ठंडा है, गॉगल लगा के या तो आप ऊपर से कचरा गिर सकता है। हाँ थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि ये लोग अभी तक आए नहीं है। बाय बाय, जुड़े रहना गाइस। वो देख पीछे व्हाइट कपड़ा है ना, वो सबसे बुड्ढा है देख। अरे ये ना दगड़ी वरना ये एड़पट्या दगड़ी वरना ये कम ऑन डेविल रेस गेमिंग भाई, तुला विंच लावून आणतो वर। ये कम ऑन कम ऑन बेबी, ए इतना जायचं राणे। रूल नंबर 15 सल्ला राणे, आता कम ऑन से भी आओ, रास्ता खुद का बनाओ, इधर इधर आ, इधर 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 से बोल। ए अप्पा चलो मार गप्पा, ए मल्हार ओएल को डियल को राय चक्का वाट ओले जमाना भेले साल्टी ने साल्टी काली काली साल्टी चले रे अप्पा स्वता जंगल। ए थेरड्या ए चले थेरड्या, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कंट्रोल युअर सेल्फ बेबी, इधर खाई इधर पहाड़, एकदम मजा आ रहा है, और ये नाम ही नहीं हो रहा है खत्म होने का। मामा कब खत्म होएगा भाई, अभी होएगा ऐसे 4 घंटे से चल रहे हैं। दड़ी कपा रहे, अरे देवा हिमालयन रहती ना तो मज़ा आता, लेकिन ये चल के नहीं भाई, अभी ट्रैकिंग सब थके हुए, और बातें करते केदारनाथ जाने की। गाइस सिचुएशन देखो यार, वो देखो मैंने आपको पहाड़ दिखाया था ना, वो उसका टोक लगभग हम लेवल पे आ गए, अभी थक गए रे थक गए, नीचे वाले तो आ रहे भी नहीं है, फेफड़े फूल गए उनके पूरे फेफड़े है ना बुंडे, पता हालत खराब है भैया उन लोग की, हम लोग जैसे कैसे करके आ चुके हैं ऊपर, अभी आवाज़ भी हमारी जाने लगी है। वो मामा चले गए रे ऊपर, डेंजर है भाई इतना जंगल में, तो मतलब इधर से शेर आना चाहिए। बुड्ढे बुड्ढे बोलते हैं, और दोनों बुड्ढे बोलने वालों को मतलब ऊपर है, और ये जवान लोग नीचे अभी तक, तो जवान है ना वो ऊपर है, ये रास्ते से कैसे भी करके जा रहे, लेकिन मज़ा आ रहा है गाइस। ये ट्रैकिंग फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी प्लेन रोड आएगा, ऐसा उन काका ने कुछ बोला है कि प्लेन रोड आएगा, क्या लगता है डेविन आएगा? नहीं अभी अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों अभी कितना भी होने दो जा सकते, क्या बात कर रहे हैं? हाँ अभी धूप नहीं है ना, ये देख प्लेन और पटर का था आता पटर गाइस, अभी सीधा रोड, वो देखो सूर्य सूर्यदेव होता, थोड़ी पोबड़ी वाली है पर एडजस्ट कर लो, हमेशा की तरह सबसे आगे पेड़ के नीचे मामा और दो जवान पीछे, बांदिल की ना ब्रो, बांदिल की, और जवान लोग नीचे से आ रहे हैं, जवान है ना ओरिजिनल जो बुड्ढे है ना वो नीचे है ना, जवान प्रॉपर जंगल है, प्रॉपर जंगल है, रात को दहशत रहेगी। दोनों तरफ जंगल ही जंगल, और हम जा रहे
अभी फाइनल रानी कितना परसेंटेज आ गए? अभी अपन आ गए ब्रो 94.59%, 5% बाकी है। देवी के मंदिर के उधर जाएंगे गारोई के तो 95 होंगे और उसके बाद गांव 5% ऑलमोस्ट रीच। और ये देखो पूरा घना जंगल, इधर शेर भी नहीं रहेगा ना मामा? अंदर अंदर यह है अंदर मामा विप्त्या है, विप्त्या है, सांबर है, जंगली सुअर है, रैबिट है, बहुत सारे पक्षी है, क्या बात है। भी लेकिन अच्छा, रानी हाँ ब्रो ये रात को भी इधर ट्रैवल करते हैं भाई, डर जाएगी रे। इनको आदत ही है, वो बोले ना रात को मैं आता हूँ। ये देखना निकलने में भी टेंशन है भाई, देखो आप कौन सा पानी किधर से अटैक कर देगा ना, पकड़ खींच के लेके जाएगा तो बाहर भी नहीं आएंगे भाग के अपन, कितना डेंजर है जंगल में एवरीवेयर। लेकिन हम आ गए भाई, हम आ गए सब एक साथ है। हाँ शंबर और हम ना ऐसे ब्लॉग अभी बहुत कंटिन्यू आएंगे क्योंकि हमारी डोर वापिस से एक हो चुकी है, अभी ये नहीं टूटेगी कभी जिंदगी में। जाने मजा दे रहे यार, सीन है ना भाई? हाँ सीन है रे, इधर पानी कैसा रहेगा सुसाट बारिश में? सुसाट में भी जाम भारी वाटी, मुस्त तो पानी बाबा, मुस्त तो बारिश में पानी, पानी रे हरियाली ओनली ग्रीननेस नेचर मदर नेचर। लेकिन मेरे को लगता है इधर रोड नहीं आना चाहिए ब्रो, नहीं ना उसको ये नेचुरल चला जाएगा सब, इधर तू आ सकते है खाली हिम्मत से, हिम्मत पैसा रहेगा तो ऊपर नहीं कर पाएगा, हिम्मत चाहिए भाई सच्ची में, हिम्मत चाहिए इधर तो ही कुछ हो पाएगा। देखो शूटिंग और शूटर प्रॉपर चालू एक्शन, ये फूल देखो भाई करण भाई और कलर भी देख, और ये फुलपाखरू देख, फुलपाखरू देखा क्या कैसे उड़ रहे? वो देखो वो गारवाई का मंदिर है, गारवाई देवी का वो मंदिर हम जा रहे हैं अभी। अभी मेरा गोप्रो का बैटरी औकात देने मतलब दिखाने लगा है तो मतलब कभी भी उतर जाएगा, और अभी भी अपने इधर 8 घंटे का शूटिंग बन सकता है इतना मेमोरी है, और बाकी सब जंगली में मंगली है रे। हाँ तुम शूट कर रहे हो वही मैं शूट कर रहा हूँ तुमको, yes. मेरा व्लॉग ही शूट हो रहा है तुम्हारी बोली में प्रॉपर जो हो गई है, क्या मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ब्रो खुश है ना एकदम एकदम नेचर में, लेना देना ही नहीं है नेचर में, ना नेटवर्क ना नथिंग, ओनली गॉड हैप्पीनेस, नेटवर्क कुछ नहीं है, एंजॉय नो टेंशन ओनली हैप्पीनेस। ये देखो गारुआई मंदिर, अभी हम आ चुके इधर, उस तो चप्पल वगैरह निकल दे और बैठेंगे इधर। देखो कितने पुराने मतलब ना क्या दिए वगैरह है सब दिखाते हैं, सब नंदी जी ये दिया लगाने के लिए ढाक, जय माता दी, मैं दियो भी होना लावला ना है कोई, लाइट पर ना है, लाइट पर नहीं है, वाजू कर दीपो है वाजू, कुछ दिख रहा नहीं है गाइस, मतलब अंधेरा हो चुका है अभी तक बहुत सारा अंधेरा, मतलब थोड़ा ये देखो जंगल में आपको हाँ। मिला है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुकून मिल रहा है, इन आगे जो मामा है ना उनका ही घर है, बहुत खुश हूँ मैं। और ये देखो कुआ, ये देखो घर, इतने बड़े जंगल राज में ये घर होना मतलब आत्मा को ठंडक, क्या ही बोले। बाप रे वो बैल डायरेक्ट भड़क गया रे, मामा कुआ खोदला कैसा गए ब्लास्टिंग ये बना पाइपिंग बग कुआ, जो अभी अपन ने श्रीमान के इधर देखा रहेगा ड्रोन में, इतने ऊपर भी पानी है और क्या चाहिए, इतने ऊपर भी पानी और क्या चाहिए। देखो घर और ये जंगल में हम पहुंच चुके, बहुत ही मजा आ रहा है ब्रो। अभी हम बनाएंगे खाना खाना करके ये ब्लॉग का अपन एंड कर देंगे, फिर सवेरे जाने का है अपने को डाक भैरी में मंदिर में, तो उधर का ब्लॉग अलग बनेगा तो जुड़े रहना, अभी बनाएंगे खाना। ये देखो अपनी हवेली, जंगल की हवेली, देखो महल वगैरह सब है, और ये देखो अपना घर, इधर सोलर व्हीलर पे लाइट है, ये अपने मामा का घर है। और जो खुशी मिल रही है ना गाइस, अंधेरा है इग्नोर मारो, और जो खुशी मिल रही है ना क्या ही बोले, मतलब हमारा थोड़ा सा ही अभी जर्नी होगा, मतलब जर्नी हो गया, एक स्टेप हो गया अभी, कल का बहुत बड़ा स्टेप है जो ऊपर चढ़ना है, तो मजा आएगा। अभी बनाते खाना ना ब्रो, फेम दे ना जरा दोस्तों, मुझे फेम चाहिए, मैं फेम का भूखा हूँ, मुझे फेम दे दो।
फेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस जय हिंद। अभी बनाएंगे चिकन। ये देखो अभी इधर अपन खाना बनाएंगे, देखो इधर ये चूल्हे पे, और चूल्हे पे जो बनाने का मजा है, ये देखो लाइट ना ब्रो, इतने जंगल में भी लाइट है ना ब्रो। और ये देखो हवेली कितनी बड़ी है, नाथ की है, नाथ की है। मामा कसलो मोटो घर हो, मामा जी का घर बहुत ही बड़ा है। देखो चार्जिंग, ये का है मामा? अच्छा सोलर है का, मस्त, एकदम भारी यार, एकदम भारी, मजा ही आ गया। भोंडे कैसा लगा घर? अभी तक खाना बनाते। ये देखो प्रॉपर सब सामान लेके आए है, तेल है, तेल है, मामा मत ढूंढो, तेल मिल गया, पागल लोग है सब, कुछ भी बोल रहे हैं। चिकन चिकन धोने का भी, कांदा काटने को लेते, और काम चालू कर देते ब्रो। देखो करण भाई की मेहनत सबसे ज्यादा है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। रिसेप्शन ला कॉल कर तो बस, तिकड़े मागे पहुंचे। कॉल 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 सीरी, कॉल सीरी, ऑर्डर टोमेटो कटिंग, ऑनियन कटिंग, सीरी कॉल। मैडम दो सूर्य एक्स्ट्रा पाठो मैडम, एंड सम तेल प्लीज। चल बाहर ले, बाहर ले कुत्ते, बाहर ले। और ये देखो ना ओल्ड वाइफ, इस पे जो रस्सा बनेगा ना, देखो ना कैसे सिस्टमेटिक है, मामा ने एकदम चकाचक जलवाया यार। चल 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 धोने को ले, भोंडे तू धो, चिकन धो, चिकन साफ करो रे, मतलब भोंडे बोलो नरम नरम फ्राई साठी पीस काढून घे, हाडांचे पीस नरम फ्राई साठी घे, मीठ मसाला थोडासा आले लसूण पेस्ट टाकून मस्त पैकी फ्राई करायला टाकू। ये जो पीस साइड में निकल रहा हूँ ना, वो हमें चाहिए फ्राई के लिए, और मजा ही आने वाला। कलेजी बेटा इन्होंने लाना चाहिए था रे, वो डाल वो डाल, वो पीस डाल, वो डाल नहीं रे, हाँ वो भी डाल, ये हाँ डाल इसमें, डाल इसमें, इससे अच्छा। अरे वो डालना, वो डालना, वो वाले सर डालना लेग पीस, वो क्या काम के, अरे चिकन कोई नहीं खाता रे ज्यादा, जरा हाड़ का कोरमा आना चाहिए उसमें, ज्यादा भी मत निकल पीस, हो गया ना एक किलो, ये एक किलो डाल, जास्ता चल डाल, बस हो गया। चल उसको लेके उधर रहने दे, उसको बाकी को लेके चल डाल। करण भाई ने कुछ नई स्पेशल रेसिपी लाई है, बस हम देख रहे हैं कैसा बात, क्या है करण भाई इसके बाद? डाल डाल ये फ्राई के लिए बना रहा है ना, मतलब तो फ्राई भी रस्सा भी, इतने घने जंगलों में ये ब्रो इज्जत है, बाकी तो रस्सा भी। हां ठम। और अभी भाई आपके प्रॉप कालो सुपरवाइजर है, तमाको लेकिन एक टेंशन है, तेल कमी पड़ना है, तेल आपल्याकडे आहे पुढे, तुला काय करायचंय, चिंता घेऊ नको, सगळं भेटेल। जय, अरे काय चुमकुलार टाकतो टाक माणसात, ए चिकन मसाला आणला, आता आपल्या हॉटेलचे एवढे मसाले येतात, कुठला चिकन मसाला भी शोधा, सगळे टाक, होईल ते होईल, ते नको टाकू, ते नको टाकू, फ्राय पुरती बात झाले, चिकन मसाला वगैरे काय मसाले तो कुठला आहे बघ, चिकन सिद्धी मला जरा डाऊट येतो, टोमॅटोच्या जवळ बसला आणि नाही नाही मी आता फोटो काढली। श्रीमंत तू क्यू बीच बीच में कर रहा है, तेरा पाणी खाना नाही येतो, क्यों बीच बीच में कर रहा है? अरे मैं कवर आना तो विसरलो, क्यों बीच बीच में कर रहा है? नहीं मैं बस देख रहा हूँ, इधर क्यों बैठा है? मैं देख रहा हूँ चिकन के लिए इतना टमाटर रखा तुमने, अरे बाबा मैं पोलो खाया हूँ, अरे काय भिकारी अर्क करता ते टमाटर, असे कुत्र के खातात का टमाटर, चिकन एक किलो राने कुत्ता, डेविल काय बोलतो, कंबर वा मोडली फ्राय हो रहा है, फ्राय हो रहा है बाबा, किंग ऑफ द किंग्स में, किंग एकदम, किंग किंग नेपलुद्दीन, क्या क्या मसाला डाला, नेचूस जो मिला हाथ में वो, जैसे के आर जोड़, बट कलर तो किंग लग रहा है, नमक ने डाला भाई, पर ये ना दोस्तों इसकी जो चौवे ना चौ के तालुक में, नमक चौ कैसे टक, अजून टक, हाँ सुस्मेल जास्ती नको, स्मेल बहुत बढ़िया, पनीर तरी, ये रस्सा बढ़ेगा ना बहुत, रस्से पे गेम है भाई। दोस्तों ये क्या बताया, पनीर तरी मतलब एक तरीके की मिसल है, इसको ट्रेडिशनल मिसल कहते हैं। ए अरे नको भुंडे, काय मिक्स करायला लागला, तिकडचं जळलेलं इकडे टाकतोय, ए भुंडे तू काय करतो, ओरिजिनल सर्वाइव करायला लागला आता वाइल्ड लाईफ ला, हा ना थेरडा सालाम थेरडा गया, अजून पाणी पाहिजे अभी दोस्तों, हा जग भरून चिकन बनाया जा रहा है, चिकन मेरी चजू, और अरे कलेजी के पीस डालो, सॉरी पनीर डाला, पनीर के पीस डाल दो, डाल दिया क्या, हाँ। अरे यार मामा एक आज पाइए भांडे पानी, इसमें पनीर का पीस डाल दिया दोस्तों, और नाला ना
अभी भाई बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, मचा रहे अभी भाई, इज्जत है। फ्राइड चिकन ने अच्छा रख से कौन सा तो अभी उग्र रूप धारण किया है, कांदा डाला है उसमें, अभी क्या बनने वाला है वो भंडे जी को ही मालूम है। क्या बनने वाला है भंडे इसमें? इसमें बनेगा चिकन चौल पोलपो। कौन सा? चिकन चौल पोलपो। अच्छा नहीं 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 नहीं, देखो मुझे विश्वास है कि ये जो बनने वाला है वो किंग है। मैं पनीर खा रहा हूँ। मामा क्या बात व्यवस्थित गाइस, फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है, मतलब बना के अभी राइस, ये कचका रहा है राइस और चिकन का रस्सा, वो जो मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या लग रहा है रानी तुमको? हैप्पी, नो टेंशन, हरे महादेव गोवा। श्रीमान अभी तू बहुत दूर है, अच्छा लग रहा है तेरे को रस्सा बिस्सा भात? मैंने अभी तक खाया नहीं है बट रस्सा इस दुनिया का सबसे टॉप रस्सा था, और अभी भाई ने जो फ्राई बनाया ना वो भी नॉन स्टॉप फुल एक्शन, और सबसे इधर मेन एक ही है करण भाई, क्योंकि उन्होंने सब मेहनत कर। नहीं नहीं नहीं, डेविल आपको कैसा लगा? मस्त मस्त एकदम, प्यारा लगा? प्यारा एकदम लगा, मैं खा रहा हूं अभी, शुरुआत करने वाले। तो इधर लाइट तो गाइस, ये व्लॉग था आज का चिकन का रस्सा और हमारे भगवान को जाने के पहले की एक रात, ये आज के व्लॉग तक था। अभी कल का जर्नी कल स्टार्ट होगा, तो जुड़े रहना। ये व्लॉग इधर तक ही था, कल भगवान का व्लॉग बनने वाला है, तो जुड़े रहना। दुआ में याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय 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 चुम्मा। गाइस ये मशीन बघा रे यार, सकाळचे वाजले 6, पण एक जे घोरणं आहे ना, याने ना राणीला झोप येते ना मला झोप येते। बघा ऐका, म्युझिक ऐका फक्त, ऐकताय? घ्या राणी, नको राणी तर झोपू दे। भोंडे मी जो पाया पडतो रे, तू घोरणं पण कर रे, अरे बिबळ्याची पण भीती नाही वाटत तेवढं, जो घोरण्याची वाटते। चुन्यू चुन्यू घोन्यू, हे माझी भोंदू 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 काका। गाइस डुक्कर रिक्षा देखो ना, डुक्कर रिक्षा से आप सुनो सुनो सुनो, देखो ना मैं सच्ची नहीं, देखो इतना बड़ा गैप छोड़ के इधर डेवी ले, ये देखो मेरा हथरून, ये घर से लाए, ये देखो भी ये मेरा हथरून है गाइस, और देखो सेम रहने के ब्लॉग में रहेगा, ये इसका हथरून है। हम नहीं सोच सकते, हमें माफ कर दो, बॉडी बहुत मजबूत है लेकिन ठीक है।